ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष योगराज ने अपनी ही भाजपा पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। पार्टी से नाराज चल रहे प्रदेश उपाध्यक्ष योगराज ने कहा कि पार्टी में नुकसान पहुंचने वालों को अगर इनाम मिलता है तो हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने कहा कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। मीडिया को जारी बयान में प्रदेश उपाध्यक्ष योगराज ने कहा कि इसके लिए एक पत्र उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। अगर अभी तक उन्हें जवाब नहीं आया है, हमेशा पार्टी अपने गत निर्णय को लेकर हारी है। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष योगराज ने कहा कि उन्होंने 1981 में पार्टी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। तदोपरांत पार्टी में सक्रिय भूमिका 1984 में शुरू कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना राजनीति सफर पंचायत प्रधान से लेकर जिला परिषद तक और पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। पांच बार प्रधान, एक बार जिला परिषद बनकर जनता जनार्दन की सेवा की है। जम्मू जेल यात्रा, अयोध्या आंदोलन, डोडा बचाओ, जम्मू बचाओ जैसे पार्टी के आदेश पर आंदोलनों में काम किया है। और विकल्प खुले हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता, ये लोकतंत्र है। लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को इनाम मिलता है तो हम क्यों पीछे रहे। अभी बात करेंगे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। अभी उनका जवाब का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन समय आने पर जो भी होगा, जो बात सामने आती है उसको हम ना तो छुपा सकते हैं ना भुला सकते हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगी वो ठीक निर्णय होगा। तो दो टुक जवाब है, अभी समय है और विकल्प खुले हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता, ये लोकतंत्र है। लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को इनाम मिलता है तो हम क्यों पीछे रहे। अभी बात करेंगे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। अभी उनका जवाब का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन समय आने पर जो भी होगा, जो बात सामने आती है उसको हम ना तो छुपा सकते हैं ना भुला सकते हैं कि एनस्टार न्यूज के लिए ज्वाली से विजय सम्याल की रिपोर्ट।